क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सीरियल किलर को क्या बनाता है? सीरियल किलर को परिभाषित करते समय आमतौर पर सब जुनूनी, ताकत का भूखा और अपराध की कमी महत्वपूर्ण होती है। यह सभी लक्षण सीरियल किलर अहमद सुरदजी के अनुरूप हैं, जिसे जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। अहमद का जन्म जनवरी 1949 में इंडोनेशिया में हुआ था। वह अपने पिता के साथ रहता था, जो एक प्रसिद्ध पशुपालक थे। अहमद एक परेशान बच्चा था, जो अक्सर झगड़ा और चोरी करता रहता था, जो पहली बार 19 साल की उम्र में चोरी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। अहमद हमेशा अपने पिता की ओर देखता और उनके जैसा बनना चाहता था। उसका उसके पिता के साथ बहुत करीबी संबंध था, जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद अहमद ने शहर में एक जादूगर की नौकरी कर ली। अहमद में सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखते थे। सिज़ोफ्रेनिया एक विकार है जो लोगों को सामान्य से बाहर की चीज़ें सुनने या देखने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए अहमद ने दावा किया कि उसके दिवंगत पिता से उसकी बातचीत हुई थी, जिसमें उसने अहमद को 70 महिलाओं को मारने के लिए कहा था। यह सिज़ोफ्रेनिया का एक स्पष्ट संकेत है, क्योंकि उसे मति भ्रम है कि वह अपने मृत पिता से बात कर सकता है। सिज़ोफ्रेनिया का एक और उदाहरण उसने प्रदर्शित किया था। उसे लगा कि वह जादूगर है और वास्तव में जादू का उपयोग कर सकता है। उसका मानना था कि वह अपने पीड़ितों की हत्या करने के बाद अगर वह उनकी लाशों को इस तरह से दफनाए जिसमें पीड़ितों का सर उसके घर की ओर हो, तो उसे वास्तव में उनकी शक्तियाँ उसे मिल जाएं। अहमद की समस्या बचपन से ही थी, लेकिन यह तब बढ़ गई जब उसके पिता का निधन हो गया। उसके पिता की मृत्यु ने उसे अभिनय करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। यही कारण है कि उसे लगने लगा कि उसके पिता उसको सभी महिलाओं को मारने के लिए कह रहे हैं। अपने भ्रम के दौरान उसने अपने पिता की सलाह लेने की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि वह अपने पिता को निराश नहीं करने के लिए प्रेरित था और अपने पिता को गौरवान्वित भी करना चाहता था। अहमद सुराजी, जिसे नसीब खेवांग और दातुक मरिंगी के नाम से भी जाना जाता है, एक इंडोनेशियाई सीरियल किलर था, जिसने 1986 और 1997 के बीच 42 लड़कियों और महिलाओं की हत्या करना स्वीकार किया था। 24 अप्रैल 1997 को 21 वर्षीय श्री केमला देवी ने एंड्रियास नाम के एक 15 वर्षीय रिक्शा चालक से उसे दातुक ले जाने के लिए कहा। उसने एंड्रियास से इस बात को गुप्त रखने की रिक्वेस्ट की। 3 दिन बाद केमला का नग्न और सड़ा हुआ शरीर एक गन्ने के खेत में गड़ा हुआ एक आदमी द्वारा पाया गया, और बाद में कुछ और लोगों द्वारा उसे खोदा गया और लाश को निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस की जांच शुरू हुई तो पता चला कि आखिरी बार देवी को रिक्शा पे देखा गया था। पूछताछ में पता चला कि रिक्शा चालक एंड्रियास था। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो एंड्रियास ने पुलिस और देवी के परिवार को बताया 3 दिन पहले उसने सुरदाजी के घर पर छोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस बारे में पूछताछ करने के लिए सुरदाजी के पास गई। हालांकि पहले तो उसने देवी की मौत से कोई लेना देना होने से इनकार किया, लेकिन पुलिस को उसका हैंडबैग, ड्रेस और ब्रेसलेट उसके घर से मिला। बाद में उसे 30 अप्रैल 1997 को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान सुरदाजी ने अंततः देवी की हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन यह भी खुलासा किया कि उसने एक नहीं अंदाज में 42 लड़कियों को मार डाला, जिसके बाद गन्ने के खेत में खुदाई की गई जहाँ देवी का शव मिला था। पूरी प्रक्रिया के दौरान 42 शवों को कब्र से खोद कर निकाला गया और उनमें से कुछ को तो इस हद तक छत विच्छित कर दिया गया कि उनकी पहचान नहीं हो सकी। उसने पुलिस को बताया कि 1986 में उसे एक सपना आया था, जिसमें उसके पिता के भूत ने उसे 70 मृत युवती को मारने के लिए कहा था, ताकि वह एक फकीर चिकित्सक बन सके। सुरदाजी ने सोचा कि प्राकृतिक कारणों से मरने वाली 70 महिलाओं का सामना करने में उसे बहुत समय लगेगा, इसलिए उसने हत्या के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया। महिलाएं उसके पास खुद जाती थीं, यह सोच के कि कोई जादू या ब्लैक मैजिक से उसे सुंदर या धनवान बना सकता है। जब महिलाएं उसके पास अपनी समस्या लेके जाती तो वह उन्हें पास के गन्ने के खेत में ले जाता और यह दावा करते हुए कि अनुष्ठान का हिस्सा है, उन्हें कमर तक मिट्टी में दबा देता। जैसे ही महिलाएं मिट्टी में दब जाती, वह तब अपने पीड़ितों का गला घोटने के लिए आगे बढ़ता। जब तक वे मर नहीं जाती, वह उन्हें नहीं छोड़ता था। इसके बाद वह डिकम्पोजिशन को तेज करने के लिए उनके शरीर के कपड़े उतार देता और उन्हें पूरी तरह अपने घर की ओर सर करके दफन कर देता। सुरदाजी ने पुलिस को बताया, मेरे पिता ने मुझे विशेष रूप से लोगों को मारने की सलाह नहीं दी थी, तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे 70 औरतों को पाने के लिए इंतज़ार करना पड़े तो उम्र लग जाएगी। मैं इसे जितनी जल्दी हो सके पाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मारने के लिए अपनी पहल की। उसके खिलाफ 363 पन्नों के आरोप के साथ 11 दिसंबर 1997 को मुकदमा शुरू हुआ। सुरदाजी ने अपनी मासूमियत बनाए रखी। उसकी 3 पत्नियों को भी हत्या में सहायता करने और शवों को छिपाने की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसकी पत्नियों में से एक तुमिनी को उसके साथी के रूप में पेश किया गया था। उन दोनों ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया था, लेकिन कोर्ट में उसने दावा किया कि उसने पुलिस द्वारा यातना के तहत कबूलनामे पर दस्तखत किया है। उसे 27 अप्रैल 1998 को लुबुकपकम में 3 न्यायाधीश के पैनल द्वारा दोषी पाया गया। उसे गोली से मारने की सजा दी गई। फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम में भारी भीड़ ने ताली बजाई।
100 से अधिक लोग छोटे कोर्ट रूम में जमा हो गए थे, जबकि कई लोग बाहर टेलीविजन स्क्रीन पर कार्रवाई देख रहे थे। सूरज जी की पत्नी तुमिनी को भी हत्या में मदद करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दिया गया।